घोंसला अरे घोंसला इसमें दो घोंसले इसमें प्यारे से चिड़िया की। अब चिड़िया आएगी इसमें नहीं आएगी। कुनाली आप बताओ क्या करें यार इसका। सोना सोना उरे तो इसमें रहेगा नहीं, मेरे को दे दो ना सब। मैं टायर रखूंगा, बेड रखूंगा। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो कुनाली के आने वाले हैं फर्स्ट क्लास के एग्जाम, तो पहली बार एग्जाम देगा अपनी फर्स्ट क्लास के। तो तैयारी कैसी हुई है? मस्त है। मस्त। पास हो जाओगे? हाँ। फर्स्ट क्लास में पास हो जाओगे? हाँ। गाइज जो फर्स्ट क्लास होती है ना उसकी तो मेमोरीज ही अलग होती है, बिकॉज फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि बड़ी क्लास में आ गया। लग रहा है ना आपको बड़ी क्लास में? अब चलो देखते हैं कैसे एग्जाम जाते हैं इसके। पढ़ाई तो करता नहीं है। पढ़ाई करूँ या ना करूँ तब भी पास हो जाऊंगा। क्यों है? क्यों दिमाग है ना भाई। कुनाली अभी फर्स्ट क्लास के एग्जाम देगा, उसके बाद सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, मतलब अभी इसके पूरे 11 साल बाकी हैं भाई स्कूल के। है कुनाली 11 साल में गाड़ियां उड़ने लग जाएंगी। हाँ हो सकता है। बुर्ज खलीफा, वो यार नाम क्यों नहीं बोल पा रहा मैं। बुर्ज खलीफा खलीसा बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग बन जाएंगी। तब तक मैं क्या कर ले लूंगा, बुगाटी, लंबोगिनी, पोर्शे। कितने की आती है बुगाटी? हैं बुगाटी कितने की आती है? 87 करोड़। हैं 87 करोड़। 87 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? हैं कितनी जीरो होती हैं? कैसे लोगे बुगाटी? हैं कैसे लोगे बुगाटी? ले लूंगा पैसे कमा के। कैसे कमाओगे? कहीं से भी। पढ़ाई करनी पड़ती है ना। एक सेकंड में खरीद लूंगा मैं, एक सेकंड में। कैसे? एक सेकंड में। कैसे? जैसे आप बोलते हो ना, अगर अगर कोई साइड में अपना प्लॉट ले लेना परेशान करने के लिए, तो मैं एक सेकंड में खरीद लूंगा। वैसे मैं भी बुगाटी एक सेकंड में खरीद लूंगा। कुनाल आपको सच सच में नहीं बताई कम पैसे आपके? आपको सच में नहीं पता पैसे ज्यादा कम कितने होते हैं? कुनाल अभी आप अपनी दुनिया में जी रहे हो, पता है आपको? आपको रियलिटी नहीं पता ना अभी? तो प्यारी जिंदगी है। जिंदगी में पैसे कमाना बहुत जरूरी है, पता है आपको? सब कुछ ज्ञान से मिलता है, ज्ञान। चलो अब अम्मा से पूछते हैं। अम्मा आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने 7 तक। 7 तक। अम्मा ने 7 तक पढ़ाई की है। कभी फेल हुए? नहीं। कभी फेल नहीं हुए? नहीं। हमेशा पास हुए? हमेशा पास। पढ़ाई में कैसे थे आप? ठीक थे। ठीक थे तो 7 से आगे क्यों नहीं पढ़े? कोई साथी नहीं था, जंगल का रास्ता था। जंगल का रास्ता था? हाँ। तो अम्मा ने तो बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ झेल ली गई। जंगल क्रॉस करके पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता था अम्मा को। तो गाइज वो टाइम ना बहुत स्ट्रगल रहा था, और पहाड़ों में तो स्कूल भी नहीं होते, पहाड़ों में तो पूरा पहाड़ क्रॉस करके जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता था ना। तो अब लंच करते हैं, न्यूट्रेला की सब्जी साथ में रोटी। गाइज ओरियो को देखो कितना क्यूट सा लग रहा है, टेडी बियर की तरह। भाई नाम सुनते ही ऐसे देखता है ना किसका नाम ले रहे हैं हम। और चले, चले। तो भी गाइज हम लेके आए हैं इतने सारे प्लांट्स यहाँ लगाने के लिए। ये देखो यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगता है ना, तो सारे नए नए प्लांट्स यहाँ पे आ जाएंगे तो प्यारा लगेगा यहाँ पे सारा। और देखो प्यारे प्यारे फूल भी लेके आए हैं अलग अलग तरह के, ये भी लगाएंगे। ये तो बहुत ही बड़ा है। देखो कुनाली कुनाली इधर एक चीज खाता हूँ, इसमें छोटे वाले संतरे लगे हुए हैं। कुनाली खा सकते हैं इसको? हाँ? खा सकते हैं इसको? दो तोड़ के खाता हूँ। खा के देखो, खट्टे होगा, थोड़ा खट्टा होगा, बस खट्टा होगा थोड़ा। खा के देखो, छोटा है। हाँ हाँ एक्चुअल में छोटा है। थोड़ा एक सेकंड में खा जाओ। मेरी हालत खराब हो गई। पहले हम यहाँ सारे गमले उठाते हैं जो ये वाले पड़े हैं ना खराब वाले। ये देखो ये ऐसे पड़े हुए हैं, लकड़ी लगा रखी है देखो वाइपर में, लकड़ी जुगाड़। और मम्मी जी लगा रहे हैं यहाँ पे मस्त फूल। देखो ऊपर कौन सा प्लांट होता है बताइए? ये पत्तों वाला प्लांट। ये देखो कैसा दिख रहा है, किसकी तरह दिख रहा है? ये धारियाँ किसकी तरह हैं? ये धारियाँ किसकी तरह हैं? चाकू जैसी हैं? चाकू जैसी नहीं नहीं ये जो टेक्सचर है, ये टेक्सचर है, इसमें किस चीज कैसा है? ये टेक्सचर है। हाँ स्नेक प्लांट बोलते हैं इसको। मैंने कहा इस दीवार पे पेंट करवा दे। हाँ। एक को अरे हाँ, गमले तो ले आए लेकिन दीवार कितनी गंदी। हाँ, हो रखी है वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी करवा दे। अब उठा रहे हैं सबसे मेन सबसे बड़ा वाला। अरे हाँ, हल्का है। हल्का है क्या? हाँ, हल्का ही है। अरे घोंसला इसमें दो घोंसले इसमें प्यारे से चिड़िया की। अब चिड़िया आएगी इसमें? नहीं आएगी। चिड़िया आ सकती है इसमें? नहीं आएगी। वही दो घोंसले। एक मिनट रुक जाइए, तुम नया बनाते। मम्मी कह रही है इसको वहाँ रख दो, बट मैं कह रहा हूँ यहीं रखो क्योंकि यहीं पे सुंदर लगा है। जैसे अंदर आएंगे तो ये दिखेगा ना बड़ा बड़ा सा, वहाँ तो कोने में अच्छा नहीं लगेगा। प्लास्टिक लग रहा है सेम, ये नहीं लग रहा। बट प्लास्टिक नहीं है गाइस, बट रियल है। थोड़े क्रिसमस ट्री जैसा। अकेले उठा लेगा भाई? उठा लिया इसने तो। यहाँ कोने में रख दे। ये हुई ना बात। टूट जाएगा। ठुका ठुका ठुका।
लगी तो नहीं हैं? विद्या वाला पेड़ ये हम कॉपी और बुक के अंदर रखते थे इसको, इसकी टहनियां तोड़ के इसमें रोड़ा लगा के घूम से अंडे आ गए। हां इधर आओ, ये देखो अंडे आ गए। हैं अंडे आ गए, घूम ले। अबे कंचे रख दिए इसने। तो गाइस फाइनली सारे प्लांट्स हमने लगा दिए हैं, ये देखो भाई अब कितना मस्त लग रहा है, ये वाला प्लांट भी, ये वाला भी, और यहाँ पे हमने संतरे लगाए हैं छोटे वाले, और देखो पूरे बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ भी, प्यारे प्यारे प्लांट्स, और अभी बाकी हैं इतने सारे फूल, देखो ये बाकी हैं, ये बाकी हैं, ये बाकी हैं, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट गमलों में लगाएंगे तब और मस्त लगेगा। और देखो ऊपर भी लगा दिया हमने, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और मम्मी ने देखो यहाँ पूरे फूल ही फूल। गाइज अब देखो ये वाला एरिया प्लांट्स के बाद कितना सुंदर लग रहा है, और देखो बैकग्राउंड भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन व्लॉग बनाऊंगा ना यहाँ पे तो मस्त, प्लांट्स को देख के ना मस्त सी वाइब आती है। गाइज ये ओरियो घर अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, इतने दिन हो गए भाई, इसको हिला भी नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा भारी है ना, और अभी इसको घर के अंदर भी नहीं रख सकते बिकॉज घर में काम चल रहा है। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें होती ना तो उस वाले घर पर रख देते भाई, वहाँ पर आएगी नहीं है। कुणाल आप बताओ क्या करें यार इसका, रहेगा नहीं, मेरे को दे दो ना सब, मैं अपने टॉय रखूंगा, बेड रखूंगा, स्टडी का सामान रखूंगा। स्टडी करते हो आप? हाँ, करता हूं ना। बट आपका तो रूम बन रहा है, हाँ? आपका तो रूम बन रहा है, आपको क्या चाहिए? चाहिए यार, हाँ? दो दो रूम चाहिए। कहाँ रखोगे इसको? अपने रूम में। रूम में एक और रूम रखोगे? तो भी आ गए हमारे घर की बैक साइड में, देखो बैक साइड से कुछ ऐसा लगता है घर, और यहाँ भी गली है, मतलब इधर भी गली उधर भी गली। तो गाइज अब मुझे जाना अपना हेयर कट कराने के लिए, थोड़े ज़्यादा बढ़ गया ना ये, थोड़े हल्के हल्के कटवा लूँगा, थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं देखो आँखों में आ रहे हैं, थोड़े से यहाँ से कटा लूँगा, थोड़े से यहाँ से कटा लूँगा। भाई काफ़ी लोग लग रहे हैं हमारा ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर बन रहा है, भाई इतना बड़ा घर भी नहीं है, मतलब सामने से देखो वीडियो में फिर भी लग रहा होगा आपको, बट सामने से देखोगे ना उतना बड़ा भी नहीं है। कई सब्सक्राइबर आते हैं उनको लगता है भाई कुछ बड़ी ही कोठी टाइप की बन रही होगी, बट वो देखते हैं नहीं ये तो नॉर्मल ही है, बट जितना भी भाई सफिशेंट है हमारे रहने के लिए। तो पहले मैं जा रहा हूँ मम्मी को लेके सूप पिलाने के लिए, मम्मी का सूप पीने का मन कर रहा था। अम्मा कहाँ जा रहे हो? सूप पीने। क्या पीने? सूप। क्या खाते हैं? सूप। क्या सूप? मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? तू कह रहा है सूप पिला लाते हैं, चल बैठो अम्मा, बैठो अम्मा, इसमें बैठना है आपको। खाओगे व्हाइट सॉस पास्ता? और है? और कुछ नहीं खाऊंगा यार, यार थोड़ा जब तक खाना आ रहा तब तक देखने दो ना थोड़ा सा। क्या देखना है? क्या देखोगे ऐसा? शॉर्ट देखता हूं। हैं? शॉर्ट। गर्मा गर्म सूप पीते हैं। कुनाली का व्हाइट सॉस पास्ता भी आ गया है। क्या कर रहे हो? कंचे खेल रहे। कंचे? हाँ। रेस्टोरेंट में कौन कंचे खेलता है भाई? अबे इधर आओ, मारेंगे हमको, कहेंगे ना यहाँ कंचा खेलने वाला थोड़ी है। गाइस कुनाली ना एक जगह पे टिकता नहीं है, अभी भी दिख नहीं रहा वो हमको, वो वहीं वहाँ कहीं छुपा हुआ उसके पीछे। आज की हमारी डेट कंप्लीट हुई, चले अब। तो हमने पीयूष के लिए व्हाइट सॉस पास्ता पैक करा लिया, उसका फेवरेट है ना, पीयूष पीयूष खुश जाएगा देख के। सीट बेल्ट लगा पहले अपनी, सीट बेल्ट लगा। अरे यार चिल्ला क्यों रहा फिर, अम्मा भाई के साथ अन्याय करोगे क्या? अन्याय नहीं है, सीट बेल्ट जरूरी होती है कुणाली। सामने से एयर बैग आ जाएगा। हैं? सामने से एयर बैग आ जाएगा। अच्छा उछल के गिरेगा बाहर। क्या होता है एयर बैग? क्या होता है एयर बैग? यहाँ से बलून निकल के आता है जो हमारे मुंह की सेफ्टी करता है। सीट बेल्ट आपको बांध कर रखेगी। घर पहुँच चुके हैं, आप सभी उतरो, एक को भेज दो घर से, कुणाली एक को भेज दो जल्दी, पीयूष साहिल चाचा जी पापा जी किसी को भेज दो जल्दी से, जल्दी भेजो, बाल कटाने जाना है। चलो तो साहिल आया है, सैलून पे पहुंच चुका हूँ, तो थोड़े थोड़े कटवा लेता हूँ बस, जो आंखों में आ रहे हैं ना बस थोड़े थोड़े। तो गाइस मस्त हेयर कट हो चुका है, अब से थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है यार। बड़े मम्मी लग रहे बाल कटे हुए? लग रहे बाल कटे हुए? पीछे से हाथ भी लगाया, भाई मम्मी जी को तो मेरे बाल कटवाए कभी पसंद नहीं आते, मम्मी जाते कि भाई बस बिल्कुल छोटे छोटे कर लूँ, गंजा ही हो जाऊँ। तो चलो फिलहाल मैं एडिटिंग करता हूँ, शुरू करता हूँ एंड, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? सड़ा दिया इसने। सड़ा दिया? सड़ा दिया यार, क्या चल रहा है हमारे घर में? क्या हुआ कुणाली आप बताओ क्या हुआ? If you feel like it's real when I make your body shiver like an autumn leaf, I try to stay on my feet when you move a little.